पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक जोक पड़ रही थी कि आने वाले दिनों में शादी का निमंत्रण कैसा होगा। उसमें बहुत सारी शर्तें थी, मसलन मास्क पहनकर आए, आप अकेले आए, परिवार के किसी सदस्य को नहीं लेकर आए, किसी तरह का हार फूल लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपना जो गिफ्ट देना चाहते हैं वो काउंटर नंबर एक पर छोड़ दें, आप काउंटर नंबर दो से अपना खाने का पैकेट लें और अपने घर जाके खाने का आनंद लें, काउंटर नंबर तीन पर आप ऑनलाइन पैसे भी जमा कर सकते हैं गिफ्ट के। तो इस तरह की चीज़ें पढ़कर निश्चित ही हंसी आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज की हकीकत होती जा रही है, क्योंकि कोरोना ने जो हाल बना दिए हैं समाज में बहुत कुछ बदलाव हो गया है, जीने के तौर तरीके बदल चुके हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग में तब्दील होती जा रही है। और जीने के तौर तरीके तो ऐसे बदले हैं, मसलन हम बच्चों से कहा करते थे कि मोबाइल नहीं देखें, मोबाइल पे गेम नहीं खेलें, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि बच्चों के हर काम मोबाइल पर ऑनलाइन ही हो रहे हैं, फिर चाहे वो उनकी स्कूल की क्लासेस हो या समर क्लासेस। मंदिरों में जाकर लोगों ने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया है, मंदिरों में भक्ति बंद हो चुकी है, बस पुजारी ही वहाँ पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही कुछ हाल सिनेमा घरों का है, सिनेमा घर इतने लंबे समय से बंद पड़े हैं और फिल्में अब ऑनलाइन रिलीज़ हो रही हैं। बिग बी ने लिखा है कि अपने 51 साल के करियर में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तरह के बदलाव देखे, लेकिन ये बिल्कुल पहली बार इस तरह का बदलाव देख रहे हैं। तो निश्चित ही कोरोना ने बहुत कुछ बदला है, लेकिन अब सरकारों का कहना है कि कोरोना का रोना छोड़ दिया जाए, और अब इस कोरोना कब जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। कोरोना के साथ जीने की आदत डालने के लिए लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, ज़िंदगी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन उसी तेज़ी से कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले निश्चित ही बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के साथ ज़िंदगी की रफ्तार भी तेज़ होती जा रही है, और कहीं ना कहीं यही कोरोना के साथ जीना सीखने का तरीका होगा। जब लोगों के मन से कोरोना का भय निकल जाएगा तो उसी भय के आगे जीत होगी। और कहते हैं ना कि हर 100 साल में एक महामारी आती है, ऐसी कई महामारियां आईं और चली गईं, लेकिन इंसानी ताकतें इन महामारियों से कई गुना बड़ी हैं। देर सबेर सही इंसान इन महामारियों से निपटने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। तो निश्चित ही कोरोना के लिए भी कोई ना कोई वैक्सीन बनेगा, आज नहीं तो कल, थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन कोरोना के भय से खुद को मुक्त कीजिए, क्योंकि इस भय के आगे ही जीत है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।